नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज के इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आज हम लोग एक ऐसे पौधा की चर्चा करेंगे जो होम्योपैथ जगत में बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है। इसका नाम है, साइंटिफिक जो नेम है वो लीडम प्लस्ट्रे है, और इसका कॉमन जो नाम है वो है मार्स ट्री। यानी ये चाय की तरह दिखने वाला पौधा होगा, और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन के अंदर कैंसरेसो 6 के अंदर हुआ है, जो किडनी की टिश्यू रिमेडीज के नाम से जानी जाती है। इरेक्टेकैसिया फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा है, और इसका जो पार्ट इस्तेमाल हुआ है मेडिसिन के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में वो है लीव्स, यानी उसकी पत्तियाँ। हैबिटेट देखेंगे तो ये यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है पौधा। डिस्क्रिप्शन जो देखेंगे तो ये स्क्रब है, 1 से 3 फीट इसकी हाइट होती है। स्टेम जो है इरेक्ट होता है, स्कर्वी सिलेंडर रहेगा। लीव्स इसकी पत्तियाँ अल्टरनेट एंड सेसाइल होती है। इंडिकेशन हम लोग देखेंगे तो ये एंटी डायूरेटिक है, यानी पेशाब को लाने वाला है, पेशाब को बनाने वाला है और पेशाब को रिलीज़ करने वाला है। यानी यूरिन से सफ़र करने वाले जितने भी डिजीज हैं, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के वजह से बहुत सारे लोगों को गठिया होता है, तो इस पौधे का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी मेडिसिन के इस्तेमाल करते हैं और लोग ठीक होते हैं। एनी टाइप ऑफ पेन, जहाँ पे भी यूरिक एसिड की डिपॉजिट होती है उस जगह पे ये एंटी कफ है, यानी कफ को बनने से रोकता है। तो कफ को बनने से रोकता है, साथ ही कफ को रिलीज भी करता है, निकालता भी है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन इचिंग में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे रोचनी खुजली है उस जगह पे लगाने के बाद शांति मिलती है। तो ये पौधा हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।